ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। शिवनाथ मिश्रा अब मृत्यु से नहीं डरेंगे। जरूरतमंद गुल अफ्ता की सहायता करने पहुंचा CBN और अनिल गांधी का एक मधुर संगीत आज एक नई जिंदगी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयते जयते मम भारत जयते। परमेश्वर एक भला परमेश्वर है और आपका दिन बहुत सुखदायक हो। मैं हूँ प्रशांत, आपका होस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीतू और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी में। दोस्तों, अक्सर अखबार को जब हम पढ़ते हैं तो किसी न किसी के मौत की खबर हमें जरूर मिलती है। कोई जंग के मैदान में या किसी विपत्ति का शिकार हो गया, कहीं ना कहीं किसी ने किसी को जान से मार दिया, कोई एक्सीडेंट का शिकार हुआ। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें और किसी की मौत की खबर हमें ना सुनाई दे या दिखाई दे। वास्तविकता में देखा जाए तो मौत एक सच है और हर इंसान जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि क्या मृत्यु अंत ही है या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं उत्तरांचल के शिवनाथ मिश्रा जी से और इनकी कहानी लाए हैं आपके लिए हमारे प्रोड्यूसर विक्रम। वो आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने कितने ऐसे काम किए जिसपे उन्होंने मौत को हराने की कोशिश की, लेकिन फाइनली उन्होंने एक सत्य को जाना। आखिर वो सत्य क्या है जानना चाहेंगे, चलिए मिलकर सुनते हैं। तो समाधि लेते थे, समाधि के द्वारा वो अपनी जिह्वा को प्रैक्टिस करके यहाँ तलगा में अंदर से लगा लेते थे और उसके द्वारा वो एक घंटे दो घंटे सह शरीर से बैठे रहते थे, लेकिन पता नहीं लगता था कि वो शरीर में है। तो उस क्रिया के लिए हम लोग भी बड़ा प्रयास करते थे कि वो क्रिया को सीखें। शिवनाथ मिश्र का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही शिवनाथ सक्रिय रूप से घर पर सभी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया करता था और हमारे पिताजी भी योग गुरु और धार्मिक गुरु दोनों थे, तो उनके साथ योग क्रियाओं को भी मैं भी बचपन से प्रयास करता रहा ताकि इसके द्वारा हम लोगों का जीवन जो है आध्यात्मिक बने और मरने के बाद भी हम लोग इसी क्रिया के द्वारा ईश्वर के राज्य में हों। जैसे जैसे शिवनाथ बड़ा हुआ तो उसकी रुचि योग की तरफ खींचने लगी, लेकिन कोई साधारण योग की तरफ नहीं बल्कि एक ऐसा अभ्यास जो कि योग की चरम सीमा मानी जाती है, समाधि। ये अपने शरीर जीव को यहाँ डाल लेते हैं अंदर से जो छिद्र है नाक के द्वारा और पाँच घंटे तीन घंटे चार घंटे वो बैठे रहते थे, उस शरीर में उनका जान नहीं रहता था लेकिन बैठे रहते। फिर वो धीरे धीरे जैसे जीभ को निकालते थे तो उनका शरीर में प्राण आने लगता था, फिर वो हिलने डुलने लगते थे। उसकी ये सोच थी कि समाधि के द्वारा वो मृत्यु तक पर विजय पा सकता है और उनका कहना था कि इसके द्वारा हम ब्रह्मांड में हमारा शरीर चला जाता है, चाहे 100 साल तक जैसे बने रहेंगे। तो वो मन लगाकर अभ्यास करने लगा। मैं काफी सालों तक मैं भी अपनी जीभ को ऐसे धागे के द्वारा पतला करता था और यहाँ चढ़ाने की कोशिश करता था, लेकिन कई बार तो जीभ कट गई, उससे बहुत परेशानी हुई, लेकिन वो क्रिया असफल रही और उसके द्वारा हम लोगों ने सोचा कि अब ये सिद्धि हम लोगों के बस के बाहर है। लेकिन अनंत काल का जीवन पाने की आशा शिवनाथ ने छोड़ी नहीं। 1972 में पहली बार इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी है वहाँ पर, इलाहाबाद में वहाँ बहुत बड़ा कन्वेंशन चल रहा था, तो मैं उधर से गुजर रहा था तो मैं अपने मित्रों के साथ गया, तो हमने भीड़ भाड़ देखा तो वहाँ हमने कहा यार चलो हम लोग तो अध्यात्म है ही है, यहाँ क्या हो रहा है देखें। तो वहाँ बैठ करके मैं पहली बार अपने मित्रों के साथ गया तो हमारे मित्रों ने कहा अरे ईसाई धर्म का प्रचार करें, चलो चलो चलो, हमारे मित्र चले गए लेकिन मैं कुछ देर बैठा रहा। प्रचारक की बातों ने शिवनाथ का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर लिया। वहाँ पादरी जॉर्ज लुकस ये बोल रहे थे कि जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, लेकिन शिवनाथ प्रभावित नहीं हुआ। कोई विश्वास से ऐसे अमर जीवन पा जाएगा, क्योंकि इतने हमारे योग गुरु ब्रह्मचारी जी वगैरह इतनी साधना तपस्या करते, ये तो कह रहा खाली विश्वास कर लो, क्या विश्वास है, लेकिन मन में कुछ चलता रहा। इस बात ने शिवनाथ को बड़े असमंजस में डाल दिया, उसे इस बारे में और जानने की इच्छा हुई और वो अगले दिन फिर उस उपदेशक के पास पहुंचा। दूसरे दिन भी गया तो वो फिर उसी वचन को जो उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करेगा
वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। पास्टर शिवनाथ को एक बाइबल भेंट करते हैं और वो इसे पढ़ने लगा। तो कई जगह हमने पढ़ने में पाया कि कोई हमें यज्ञ नहीं करना है, कोई तपस्या नहीं करना है, कोई हमें दान नहीं देना है, लेकिन केवल विश्वास मात्र से हमारा पूरा जीवन बच सकता है। तब हमारे मन में आया कि हम इसको और पाएं। जैसे जैसे शिवनाथ ने बाइबल पढ़ी, उसे अपने वास्तविक सर्जक के बारे में पता चला और उसका मन शांति से भरने लगा। पूरा विश्वास एक महीने के बाद किया और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। 40 साल बाद भी शिवनाथ यीशु मसीह के विश्वास में दृढ़ हैं। हाँ, आज हमारे मन में पूरी शांति है कि हम अगर मर भी जाएंगे तो हम सदैव स्वर्ग लोक में प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। शिवनाथ कहता है कि उसे सच्चा योग गुरु मिल गया है। योगी आज के तो योगी मर जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा योगी है जो मरने के बाद भी तीसरे दिन जी उठा। अगर अपने हम पापों को, अपने विश्वास को उसके चरणों में रख दें, सबसे बड़ी योग क्रिया यही है, तो हमें मुफ्त में वाज भी देने के लिए अपना हाथ पसारे हुए है कि आओ हमारे पास, हम तुम्हें फ्री में मुक्ति और जीवन दान देने के लिए तैयार हूँ। आज शिवनाथ उच्च अधिकारियों और नेताओं के बीच जाकर अपनी गवाही उनसे बांटते हैं और उस सच्चे योगी के बारे में उन्हें बताते हैं। अभ्यास, ये सब चीजें तो शारीरिक हम लोगों ने पाया कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन इन अभ्यासों से कई कई बार लोगों की मृत्यु देखा हम लोगों ने, लेकिन हमने ये पाया कि अगर हम विश्वास कर लेते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है। ये सबसे सरल और अच्छा मार्ग है, सीधा मार्ग है कि अगर हम विश्वास मात्र से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और धुलने के बाद हमें अनंत जीवन मुफ्त में मिल जाता है। ये सबसे बड़ा सस्ता, सरल और अच्छा उपाय है। दोस्तों, आपने अभी देखा वो सत्य क्या है, उस सत्य को जाना, और वो सत्य है परमेश्वर यीशु मसीह, क्योंकि अनंत जीवन परमेश्वर के पास है। प्रभु कहते हैं, मैं इसलिए आया कि मैं तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर हम अपनी सारी हिस्टोरिकल बुक्स को छान लें, हर जगह रिसर्च वर्क करके देख लें, तो सिर्फ मात्र एक ही ऐसा मनुष्य है जो इस धरती पर आया, जो मरा और जो तीसरे दिन मरोहों में से भी जी उठा, और वो है प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु जी उठा तो उसने मौत पर विजय प्राप्त की। यीशु का चरित्र है मृत्युंजय, क्योंकि उसने मृत्यु पे जय पाई। अगर आप अनंत जीवन को पाना चाहते हैं तो हमारे पीछे इस प्रार्थना को करिए, मृत्युंजय यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करिए। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हो और आपने क्रूस पे हमारे लिए जान दी और तीसरे दिन आपने मृत्यु पे जय पाई और जिंदा हो गए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं, मेरे जीवन में आ जाइए। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि सिर्फ आपके पास अनंत जीवन है, मुझे वो अनंत जीवन दे दीजिए। प्रभु, मैं जिंदगी भर आपके पीछे चलूंगा। आमीन। आमीन। जी, अगर आप इस मृत्युंजय परमेश्वर के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करते समय बाइबल का नया नियम, जिसे हम न्यू टेस्टामेंट भी कहते हैं, ये मंगवा सकते हैं। इसमें आपको यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के उस सामर्थ के बारे में और परमेश्वर के उस प्यार के बारे में सब डिटेल्स मिलेंगी। दोस्तों, अभी हमने शिवनाथ जी की कहानी को देख के जाना कि अनंत जीवन संभव है और मृत्यु पे भी जय पाई जा सकती है। अगर आपकी कहानी भी शिवनाथ के जैसे है या इनके जैसे आपके पास कोई अनुभव है तो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए, हमारी वेबसाइट cbnindia.tv पे लॉग ऑन करके या हमारे प्रार्थना भवन में फोन करके। जी, हम जानना चाहेंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, हम लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे CBN ने गुलफ्सा और उसकी माँ की सहायता की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आंध्र प्रदेश में आई बाढ़ ने गुलफ्सा का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसका स्कूल, उसकी पढ़ाई का सामान, वो और उसकी माँ मानो दर्दर की ठोकरें खाने के लायक ही रह गए थे। और ऐसे में गुलफ्सा और उसकी माँ की सहायता करने पहुँचा CBN। तो कैसे की CBN ने गुलफ्सा और उसकी माँ की सहायता, जानने के लिए देखते हैं गुलफ्सा की कहानी। हम पढ़ेंगे तो हम कुछ ना कुछ जरूर बनने का, अगर हमारे मन में इच्छा है तो जरूर पूरी हो जाएगी। गुलफ्सा को जिंदगी से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन फिर शुक्रवार की सुबह बाढ़ का पानी उसके और उसके परिवार के पास जो कुछ भी था उसे बहा ले गया।
आंध्र प्रदेश में हुई जबरदस्त बारिश से तुंगभद्रा नदी में बाढ़ आ गई और उसने अपने तटबंध तोड़ दिए। नदी का पानी गांव में घुस गया, जिससे हजारों घर और संपत्तियां डूब गईं। गुलफशा मजबूर सी अपने घर और स्कूल को पानी की भेंट चढ़ती देख रही थी। इधर पानी आने की वजह से हमें ऐसा लगा कि अभी हमारी पढ़ाई नहीं होगी और हमारी इच्छा यहीं पूरी हो जाएगी और स्कूल ओपन नहीं होगा तो हमारी पढ़ाई यहीं खत्म हो जाएगी और हम कहाँ से पढ़ते और कहाँ बड़े ऑफिसर बनते। बच्चे बहुत परेशान थे, हमारे स्कूल डूब गया, किताबें डूब गए, फिर हम लोग को भी परेशान, अरे बच्चे की स्कूल डूब गई, किताबें पूरे नुकसान हो गए और सर्टिफिकेट भी पूरे ये हो गए उसके, अभी क्या करेंगे। गुलफशा की माँ को उनके पति ने छोड़ दिया था, तो वो कपड़े सिलकर किसी तरह अपना गुजारा करती थी, पर इस बाढ़ में उनकी रोजी का एकमात्र जरिया उनकी सिलाई मशीन बर्बाद हो गई। जब मशीन का सिलाई चलता था और घर का जीना संसार हमारा चल रहा था, अभी जब पानी आके चले गया तो चीकड़ में हमारी मशीन पूरा खराब हो गई और बच्ची की पढ़ी रुक गई। मैं भी तो नहीं पढ़ी ज्यादा, मैं ये सोच रही थी मेरी बच्ची और ज्यादा पढ़े, कुछ नौकरी करे, मेरे दिल में इतनी आरजू थी। अभी ये पानी आया, कभी गांव जाएंगे स्कूल में पढ़ेगी क्या नहीं, इतना परेशान, इतना सोच सोच के हम लोग को बहुत परेशानी उठाना पड़ा। गुलफशा और उनकी माँ को फौरन मदद चाहिए थी। सीबीएन पहले ही आवश्यक राहत सामग्री और मेडिकल मदद लेकर पंचलिंगा यानी गुलफशा के गांव पहुंच चुका था। सीबीएन की तेज प्रतिक्रिया के कारण गुलफशा के उर्दू हाई स्कूल को एक बिल्कुल नया रंग रूप मिल गया। गुलफशा हमारी बेटी, स्कूल में जो कुछ काम चल रहा है, आप लोग ऑपरेशन प्लेस वाले आके हम लोग को कितना मदद करे, कंपाउंड बनाए, चूना प्रिंट करे, सब कुछ, कुर्सियां छेरा सब कुछ हमारे रिपेयरिंग कराए और क्या बोलते हैं उसको, बहुत खुश है बच्ची। हम लोग बहुत परेशान थे, स्कूल में क्लासेस नहीं चल रहे, बुक्स सब चले गए और क्वार्टरली एग्जाम्स करीब है, तो हम लोग सोचा कैसे पढ़ें, कैसा पढ़ाई करें और कैसा एग्जाम लिख को प्रिपेयर हुए। फिर जब ऑपरेशन ब्लेसिंग इंडिया वालों ने और जो सब पेंटिंग करा दिया और हमें जितना बुक्स ज़रूरत थे वो दे दिया, हमें ऐसा लग रहा है ज़रूर बड़े हो के ऑपरेशन ब्लेसिंग इंडिया वालों की तरह अच्छे बड़े बड़े काम करेंगे। गुलफशा फिर अपनी पढ़ाई में जुट गई और उसकी खुशी की तब कोई सीमा नहीं रही जब सीबीएन अचानक उसकी माँ के लिए सिलाई की एक नई मशीन लेकर पहुंच गया। ऑपरेशन ब्लेस वाले इंडिया वाले घर को आके हमको नया मशीन दिया, तोहफा दिए, तो हम उसको अच्छे कपड़े सीएंगे, कपड़े सी के बच्ची को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पंजाबी ड्रेस सीएंगे। एक ड्रेस का 100 रुपए आता, अच्छा मशीन रहा तो अच्छा कपड़ा सी सकते, साड़ी का ब्लाउज सी सकते हैं, 20 रुपए लेंगे उसका, ओ अच्छा गुजारा होगा और अच्छी पढ़ाई होगी। हम बहुत खुश है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ऑपरेशन ब्लेसिंग इंडिया ने जब इधर आया तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हमारा जो सपना है वो सपना ज़रूर पूरा हो जाएगा और ऑपरेशन ब्लेसिंग इंडिया वाले तो बहुत कुछ किया और जहाँ तक उनसे हो सकता है वहाँ तक सब कुछ दिया। ऑपरेशन ब्लेसिंग इंडिया को मैं दिल से थैंक्स बोलती हूँ। हमारे पास थैंक्स बोलने के लिए बस छोटे छोटे वर्ड हैं, अगर हमारे पास बड़े वर्ड होते तो हम जरूर बड़े वर्ड से तुमको थैंक्स कहते थे। ऑपरेशन ब्लेसिंग ने एक कदम और आगे जाकर इन लोगों की आध्यात्मिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को भी पूरा किया। सीबीएन ने उन्हें एक उर्दू बाइबल दी और उनके साथ प्रार्थना की। दोस्तों, हमने अभी देखा कैसे सीबीएन की टीम ने गुलफशा और उसकी माँ की सहायता की। सीबीएन की टीम ऐसे कई लोगों की सहायता करती है, जैसे मुफ्त चिकित्सा शिविर लगवा के, विकलांगों को सहारा देके, गांव में कुएं खुदवा के, गरीबों में मुफ्त राशन बांटकर, अनाथों को भी सहारा देकर। और ये सब काम अगर हम ये बोलें कि सीबीएन की टीम के साथ आप करते हैं तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, आई एम श्योर आपको अच्छा लगता है जब आप अपना अनुदान भेजते हैं और वो सही हाथों में सही जगहों पर इस्तेमाल होता है। आप में से बहुत से लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि वो भी ऐसे कार्यों में हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। करना क्या है,
आप हमें संपर्क कीजिए और अपना चेक, डीडी या मनी ऑर्डर हमें सीबीएन फाउंडेशन के नाम पर इस पते पर भेज दीजिए। हमारा पता है सीबीएन फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, 3rd फ्लोर, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुड़गांव, दिल्ली NCR, 122009, इंडिया। आप हमें ऑनलाइन डोनेशंस भी भेज सकते हैं www.cbnindia.tv पर लॉगिन करके। दोस्तों, इस समय भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं क्योंकि हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द लौट के आएंगे एक नई जिंदगी। आपके भेजे मैसेजेस, प्रार्थना और एक खास गाना आपके लिए इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, में बहुत ही अच्छा लगता है जब आप हमें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और अपने दुख और सुख हमारे साथ बांटते हैं। आज भी हमारे पास बहुत से प्रार्थना निवेदन आए हैं, लेकिन उनमें से कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं आज के प्रार्थना निवेदन कहाँ से हैं। दुर्गा हमें लिखती है नेपाल से और वो कहती है कि उनके पिताजी को लिवर कैंसर है और वो चाहती है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे पास एक SMS है जो अंबिका जी का है और ये लिखती हैं इनके पति 4th स्टेज लंग कैंसर से ग्रसित। अंबिका, बाइबल का वचन है, हे मृत्यु कहाँ है तेरा डंक, मृत्यु के बाद भी जीवन है जो है अनंत जीवन। तो ये जरूरी है कि आपके पति उस अनंत जीवन को जाने। चंगाई परमेश्वर के हाथ में, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जरूर चंगाई देंगे। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ जिनका नाम इस समय टीवी स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है, हम उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। व्हाई डोंट यू प्रे फॉर दिस प्रेयर रिक्वेस्ट। प्रशांत, आइए दोस्तों प्रार्थना करते हैं दुर्गा जी के फादर के लिए और अंबिका जी के हस्बैंड के लिए। जब आप और हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो वी आर श्योर कि प्रभु इस प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। चलिए दुआ करें। हे जीवित परमेश्वर खुदावन, एक बार फिर प्रभु हम आपकी पवित्र और पाक हुजूरी में आते हैं। इस समय हम खास तौर पर प्रार्थना करते हैं एक मन होकर बहन अंबिका के हस्बैंड के लिए और बहन दुर्गा के फादर के लिए। प्रभु जी, प्रभु होने दीजिए कि हर तरह की स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, हर तरह की स्पिरिट ऑफ डिजीज, हर तरह की स्पिरिट ऑफ कैंसर को जो उनके शरीरों में पाई जाती है, खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपकी अथॉरिटी में खड़े होकर हम इन्हें रिब्यूक करते हैं और कहते हैं कि इनके शरीरों को छोड़कर दूर हो और कभी दोबारा इनके पास मत लौट कर आ। प्रभु जी, होने दीजिए कि इस समय आप अपना चंगाई वाला हाथ उनके सर पर रखिए। प्रभु, उनको सिर से लेकर एड़ी तक आप अपनी सुरक्षा में ले लीजिए प्रभु, और होने दीजिए खुदावंत कि वो आपकी सच्चाई को जाने। सारी महिमा हम आपके नाम को देते हैं और ये पूरी प्रार्थना हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। दोस्तों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अधिकार के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह तो मृत्युंजय हैं, तो यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास भी कई चीजों पे अधिकार है। सो व्हेनेवर यू प्रे, प्रे विद पावर एंड अथॉरिटी। जी बिल्कुल, जो बात प्रशांत ने कही वो बिल्कुल वचन के अनुसार कही। और हमसे आज वचन क्या बात करता है, आइए देखते हैं। दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। हमें उम्मीद है आज परमेश्वर के वचन से आपको आशा, प्रेरणा और सहायता मिली होगी। दोस्तों, हमारा शरीर तो धीरे धीरे ढल जाता है, यानी कि हम इसे यूं कह सकते हैं कि हमारी उम्र ढल जाती है, लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं ढलती। हमारी आत्मा रोजाना नई होती है और ये तभी मुमकिन होता है जब हमें अनंत जीवन मिलता है प्रभु यीशु मसीह में। जी, और आज हमने देखा कि कैसे शिवनाथ मिश्रा ने भी इस सच्चाई को जाना और कैसे परमेश्वर के उस प्रेम को सीबीएन की मदद के द्वारा पाया गुलफसा ने। आज आप भी परमेश्वर से उस अनंत जीवन को पा सकते हैं। करना क्या है, अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमसे अभी इसी समय संपर्क कीजिए। आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, समय है अब आपसे हम इजाजत ले, लेकिन जाने से पहले हम आपके लिए लाए हैं अनिल कान जी का ये मधुर संगीत। तो आप इस संगीत का आनंद लीजिए। हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो।
प्यार करो, प्यार करो। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है, और उसने रूह जो भेजी साथ हर दम है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है, वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो, तुमको दुनिया के हर एक चीज भी वो देगा, सुनो, तुमको दुनिया के हर एक चीज भी वो देगा, सुनो, वो जो कहता करेगा, उसका वादा है करेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो।